नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एंकरेज के बारे में। एंकरेज ऐसा कंसेप्ट है जो ऑर्थोडॉक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले समझ लेते हैं कि एंकरेज मतलब क्या, ठीक है। तो ग्रैबर नाम के साइंटिस्ट ने एंकरेज की डेफिनेशन ऐसा बताया है कि द डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर by unit for unwanted tooth movement। मतलब एंकरेज मतलब क्या, जो डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस की ऐसी डिग्री जो एक टूथ यूनिट ऑफर करता है, और क्यों करता है कि अनवांटेड टूथ मूवमेंट ना हो, इसलिए दिस इज कॉल्ड एंकरेज। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय द ग्रामर। तो हम आज देखेंगे टाइप्स ऑफ एंकरेज। तो टाइप्स ऑफ एंकरेज तो एंकरेज तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, हम एक एक टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, तो पहले तो एंकरेज दो टाइप के, मेनली दो टाइप के होते हैं, इंट्रा ओरल और एक एक्स्ट्रा ओरल। इंट्रा ओरल, एक्स्ट्रा ओरल। इंट्रा ओरल मतलब मुंह के अंदर, एक्स्ट्रा ओरल मतलब मुंह से बाहर। तो पहले हम एक्स्ट्रा ओरल के एग्जांपल्स देख लेंगे। एक्स्ट्रा ओरल में आते हैं हमारे ऑक्सीपिटल, हेड गियर, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ हेड गियर, चिन कप, मतलब जो बाहर से लगेंगे, चिन कप, हेड गियर, दिस आर कम अंडर द एक्स्ट्रा ओरल एंकरेज। अब इंट्रा ओरल में दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रा मैक्सिलरी और दूसरा होता है इंटर मैक्सिलरी। इंटर मैक्सिलरी मतलब क्या, इंटर मैक्सिलरी मतलब सेम आर्च, मतलब हमारा एंकरेज यूनिट और जो हम टूथ मूव करना चाहते हैं वही यूनिट सेम आर्च में रहेगा, दिस इज कॉल्ड इंट्रा मैक्सिलरी। और इंटरमैक्सिलरी मतलब हमारा एंकरेज यूनिट अपोजिट आर्च में रहेगा और हमें जो मूवमेंट करना है टूथ का, वो टूथ दूसरे आर्च में रहेगा, मतलब अपोजिट आर्च, दिस इज कॉल्ड इंटरमैक्सिलरी। पहले हम देखेंगे इंट्रामैक्सिलरी। तो इसमें टाइप्स है, पहला टाइप है अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ फोर्स एप्लीकेशन। इसमें तीन टाइप्स आते हैं, 1, 2, 3। पहला टाइप है सिंपल, दूसरा स्टेशनरी और तीसरा रेसिप्रोकल। अब हम इसका एक एक टाइप्स के डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के साइकिल है। तो पहला उसमें टाइप है सिंपल, स्टेशनरी और रेसिप्रोकल। सिंपल मतलब क्या, ऐसा एंकरेज यूनिट जो टूथ मूवमेंट, ओनली एक्सियल टूथ मूवमेंट देता है। फॉर एग्जाम्पल हम यूज कर रहे हैं रिमूवेबल अप्लायंस विद स्क्रू, और हमारा कंडीशन है कि एक प्रीमोलर है वो पैलेटली है, तो हमें उसको बकली टिल्ट करना है। तो रिमूवेबल अप्लायंस विद स्क्रू ये काम करेगा, तो वो जो मूवमेंट होगी वो एंकरेज जो देगा वो, दिस इज कॉल्ड सिंपल एंकरेज।
मतलब सिंपल एंकरेज एक्सियल मूवमेंट देता है, एक्सियल मूवमेंट ओनली, समझा? सिंपल एंकरेज एक्सियल मूवमेंट देता है। दूसरा टाइप है स्टेशनरी एंकरेज। स्टेशनरी मतलब क्या, ऐसे एंकरेज में जो बॉडीली मूवमेंट देता है, मतलब ऐसी कौन सी भी टूथ मूवमेंट जो बॉडीली हो रही हो, मतलब टूथ पूरा का पूरा आर्च में मूव हो रहा है, राइट, दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी एंकरेज। दिस इज गिवन द बॉडीली मूवमेंट, राइट। और तीसरा टाइप आता है रेसिप्रोकल एंकरेज। रेसिप्रोकल एंकरेज एक ऐसा एंकरेज है, ऐसी मूवमेंट है जो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमें मिडलाइन डायस्टेमा क्लोज करना है, मिडलाइन डायस्टेमा, तो मिडलाइन डायस्टेमा के लिए फिंगर स्प्रिंग हम यूज करेंगे, राइट। तो फिंगर स्प्रिंग ऐसी मूवमेंट देगी दो इंसाइजर को इक्वल एंड अपोजिट। तो ऐसा है हमारा मिडलाइन डायस्टेमा, ये मिडलाइन डायस्टेमा है। तो हमें ऐसी मूवमेंट देनी पड़ेगी इक्वल एंड अपोजिट। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द रेसिप्रोकल एंकरेज, समझा? तो रेसिप्रोकल एंकरेज मतलब क्या, इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट। तो इसका और एक एग्जांपल होगा कि अपना क्लोजिंग ऑफ मिडलाइन मिड पैलेटल सूचर, मतलब हम जब रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन करते हैं, मिड पैलेटल सूचर जब हम क्लोज करते हैं, तब वो रेसिप्रोकल एंकरेज यूज होता है। ये हो गया अकॉर्डिंग टू फोर्स एप्लीकेशन। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एंकरेज यूनिट, मतलब हम कितने एंकरेज यूनिट कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, दो कर रहे हैं, दो से ज्यादा कर रहे हैं, इसके डिपेंड पे तीन टाइप पड़ते हैं। पहला है सिंगल, दूसरा है कंपाउंड और तीसरा है रेनफोर्स। ये सिंपल है। सिंगल मतलब क्या, एक यूनिट हम यूज कर रहे हैं मूवमेंट करने के लिए, राइट। तो हम एक मोला यूज कर रहे हैं या कोई भी एक टूथ यूज कर रहे हैं, तो दिस इज कम अंडर सिंगल एंकरेज। दूसरा टाइप है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या, एक से ज्यादा अगर टूथ हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंकरेज। और तीसरा है रेनफोर्स। रेनफोर्स मतलब क्या, हम अंदर के तो यूनिट यूज ही कर रहे हैं, मतलब सिंगल या कंपाउंड, मतलब एक या दो टूथ हम यूज ही कर रहे हैं, बट बाहर से भी हम अलग एंकरेज लगा रहे हैं एडिशनल, दिस इज कॉल्ड रेनफोर्स एंकरेज। एग्जाम्पल इसका क्या है, हेड गियर, मतलब हम अंदर सिंगल या कंपाउंड एंकरेज ले रहे हैं बट हेड गियर का भी सपोर्ट ले रहे हैं, दिस इज रेनफोर्स एंकरेज। और एक एग्जाम्पल इसका हो सकता है ट्रांस पैलेटल आर्च, जो हम टूथ मूवमेंट रोकने के लिए लगाते हैं, दो मोलार को मैक्सिलरी मोलार को लगाते हैं कि वो मैक्सिलरी ट्रिप ना हो। दिस आर द टाइप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एंकरेज यूनिट, पहला सिंगल, कंपाउंड और रेनफोर्स।